दोस्तों आज के समय में तरह तरह के जानवरों को घर में पालना लोगों का शौक बन चुका है और इनमें से ज्यादातर लोग कुत्ते और बिल्लियों को पालतू बनाना पसंद करते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रिवाज को तोड़ के कछुआ, बंदर या घोड़ों को पालते हैं, जिनके लिए वो अपनी लाखों की दौलत भी न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते। और दोस्तों करे भी क्यों ना, ये होते ही इतने प्यारे हैं कि इन्हें देख के इंसान अपनी सारी थकान और दुख भूल के इनके साथ खुशी से खेलने लगता है। और दोस्तों ये जानवर भी अपने मालिक का प्यार पाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। वैसे तो दोस्तों जानवरों के साम्राज्य में बहुत से क्यूट और शांत जानवर पाए जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे विदेशी पालतू जानवर के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें देखकर आप अपनी सारी दौलत खर्च करके भी अपने घर में लाना चाहोगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन। बेबी टाइगर। दोस्तों आपका दिल बाघ का नाम सुनके घबरा गया होगा, और दोस्तों मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि बल्ला बाघ जैसे जानवर को घर में पालकर मौत का दरवाजा खटखटाने की गुस्ताखी कौन करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सच में एक बाघ का मालिक बनना चाहते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेवादा और अमेरिका सहित कुछ चुनिंदा देशों में बाघों को पालतू जानवरों के रूप में रखने की अनुमति होती है, लेकिन दोस्तों इन्हें खरीदने के लिए आपको भारी रकम चुकानी पड़ती है। और दोस्तों आपका काम सिर्फ यही खत्म नहीं होता, बल्कि इनकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी होती है। और दोस्तों एक बेबी टाइगर को सिर्फ दूध का सेवन कराया जाता है, जबकि ये बड़ा होने पर एक दिन में लगभग 20 पाउंड मांस का सेवन आराम से कर लेते हैं। दोस्तों इन्हें सही ट्रेनिंग देना तथा इनका मूड हमेशा अच्छा रखना मालिक के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों सबसे खास बात तो ये है कि आप इन्हें खुश रखने के लिए हफ्ते में 2 दिन पानी में तैरने के लिए या फिर घुमाने ले जा सकते हो। दोस्तों मैं जानता हूँ कि इनकी परवरिश करना जरूर थोड़ा मुश्किल होता होगा, लेकिन ये हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार और फ्रेंडली रहते हैं। बेबी स्लॉथ। दोस्तों अब जरा इस जानवर पे नजर डालिए जो कितने स्वस्थ और प्यारा दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये साउथ और दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है, जिसे तनाव के प्रति बेहद ही संवेदनशील माना जाता है। और दोस्तों ये अपने आलसी स्वभाव और धीमी गति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन दोस्तों इस जीव की मासूमियत देख के कोई भी इसकी ओर खींचा चला जाता है। और यही वजह है कि क्रिस्टन बेली जैसी सेलिब्रिटी ने इस जीव को अपना पालतू जानवर बना के रखा है। दोस्तों बेली आए दिन अपने बेबी स्लॉथ की वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती रहती हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही हाई मेंटेनेंस क्रिएचर है, जिनके खान पीन से लेकर इनके साफ सुथरे रहने और इन्हें किसी भी चीज की परेशानी ना हो पाए, इन सभी चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। बोआ कंस्ट्रिक्टर। दोस्तों क्या कभी आपने इंसान या जानवरों को निगलने वाले किसी अजगर को घर में पालने की बात सुनी है? नहीं ना। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ लोग सांपों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें इनसे इतना लगाव होता है कि वो अपने घर में अजगर जैसे बड़े जानवर को भी अपना पालतू जानवर बना के रखते हैं। दोस्तों अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो आपके लिए बोआ कंस्ट्रिक्टर प्रजाति का अजगर बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये बाकी सांपों की तुलना में काफी आकर्षक होते हैं, जो किसी व्यक्ति को अपने रंग रूप और शांत स्वभाव के साथ लुभाने में सक्षम होते हैं। लेकिन दोस्तों इन्हें आरामदायक सुविधा मुहैया कराने के लिए आपको बड़े पिंजरे की आवश्यकता होती है। और दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको कोई जोखिम नहीं होता। हालांकि दोस्तों कुछ देशों में पाइथन की कुछ प्रजाति पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों क्या आप भी इस अजगर की प्रजाति को अपना पालतू बनाना चाहोगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फेनेक फॉक्स। दोस्तों फेनेक फॉक्स अरेबियन डेजर्ट और सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। फेनेक फॉक्स लोमड़ियों की फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद काफी कूल जानवर होते हैं, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये काफी एनर्जेटिक और चंचल होते हैं, इसीलिए दोस्तों इन्हें खेलने और दौड़ने के लिए बड़े रूम की आवश्यकता होती है। दोस्तों कद छोटा होने के साथ ही इनकी परवरिश एक इंसान के बच्चे की तरह करनी होती है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी इंडिया में काफी डिमांड होती है, क्योंकि दोस्तों इन्हें घर में पालने में भारत में कोई कानून नहीं बनाया गया है, इसीलिए दोस्तों आप बेझिझक इनको पालने की सोच सकते हैं, पर दोस्तों उसके लिए आपको अपनी थोड़ी बहुत जेब खाली करनी पड़ेगी। व्हाइट बैट। दोस्तों आमतौर पर चमगादड़ काफी भयानक दिखने वाले जानवर होते हैं, जिन्हें छूना तो दूर लेकिन लोग देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों इस क्लिप में दिख रहे ये चमगादड़ कुछ अलग किस्म के हैं, जिन्हें देख के आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इतने प्यारे बच्चे चमगादड़ की प्रजाति से हो सकते हैं। दोस्तों इन नन्हे प्यारे चमगादड़ों को कैरिबियन व्हाइट टेंट मेकिंग बैट भी कहा जाता है, और ये इनकी मैक्सिमम साइज होती है। और हाँ दोस्तों ये हेलिकोनिया पौधे की पत्तियों के नीचे रहते हैं और उन्हें खाकर न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और दोस्तों ये शांति से अपना जीवन बिताते हैं, हालांकि दोस्तों ये काफी मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों कोई किस्मत वाला ही होगा जिसकी किस्मत में इतने प्यारे जानवर को पालतू बनाकर उसका मालिक बनना लिखा होगा। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो में दिखाया गया कौन सा जानवर आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।